तुमने मिठाई बटवा दी, महल्ले में ढिंडोरा पीट दिया कासिम और उल्फत की मंगनी का। अब अगर तुम मंगनी तोड़ोगी तो कितनी रुसवाई होगी सबकी। अम्मा भी, रुसवाई कैसी अम्मा भी? आपका अपना बेटा शादी वाले दिन एक अदद बीवी और दो अदद बच्चों के साथ नाजिल हो गया था, और आपने हुसनारा की जगह मारिया को बिठाकर सारी रस्में की। ना उस वक्त आपको इस बात का ख्याल नहीं आया? वो सब जिन हालात में हुआ वो तुम्हें मालूम है, बात को मत बढ़ाओ और अब जो तुम कर चुकी हो उसको निभाओ, इस तरह तो लड़की बदनाम हो जाएगी। और वैसे भी बहुत अजीब लगेगा, एक दिन मिठाई बांटी है और दूसरे दिन रिश्ता तोड़ दिया। बदनामी तो सिर्फ लड़की की होगी ना। अरे भाड़ में जाए ऐसी लड़की और उसकी बहन, ऐसे झूठे लोगों में ना मुझे अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना। इन माय ओपिनियन ये ऐसी कोई बड़ी बात थी नहीं जिसकी वजह से रिश्ता तोड़ा जाता। और फिर जब रिश्ता तोड़ना ही था तो फिर जोड़ना ही नहीं चाहिए था, और उस वक्त तो कासिम भी राजी नहीं था। तुम्हें सब ने मना किया था, कासिम ने, साबिर ने, और सच पूछो तो वो लड़की एक आंख मुझे नहीं भाती, मगर अब जो एक फैसला कर लिया है वो निभाना होगा तुम। लोगों के घरों में जाकर काम करने वाली की बहन से ना मैं अपने बेटे का रिश्ता कभी भी नहीं करूंगी। That's a very stupid reason. वो मेहनत करती है, काम करती है। ए बीबी, तुमने जाके अपने मियाँ की फिक्र करो, तुम्हारे नाक के नीचे क्या खेल खेल और तुम्हें खबर तक नहीं है, और ना ही हमारे मामला से दूरी रहा करो। बात का रुख मत बदलो रास्ता, कासिम की शादी अब यही होगी, ये तुम्हारे अब्बा मियां का फैसला है। मारिया चलो मैं तुम्हें कमरे में ले जाऊं। इनका क्या मतलब था मामी? अरे छोड़ो, इसकी तो आदत है इस तरह की बातें करने की, देखा नहीं तुमने? मारिया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और मैं तुम्हें पढ़ ले जाऊं। जाओ उठो, ले जाओ इसे, आओ मदद करो। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें। अरे सीधा साल है इस बात का, देखो ना मारिया बेहतर हो गई है तो उसे बिठा के सब कुछ सच सच बता देते, मगर ये काम जितनी जल्दी हो जाए उतनी अच्छा है, वरना अगर और किसी से किसी और तरीके से उसे इस बात का पता चलेगा तो मामला खराब भी हो सकते हैं। ठीक कह रहे हैं आप, आज ही बात करती हूं मैं अजीम से। सुने, मैं ये सोच रही थी कि मेरे पास कुछ जेवर पड़ा हुआ है, उसे क्यों ना बेचते आप अपने कारोबार में लगा लें, इस तरह से आपकी जिम्मेदारियां कम करने में मेरा हिस्सा भी शामिल हो जाएगा ना। नहीं नहीं, जेवर बेचने से बात नहीं बनेगी, घर बेचना पड़ेगा वरना गुजारा मुश्किल हो जाएगा। मुझे अंदाजा था कि आप यही कहेंगे। अरे भाई हमारे बच्चे सलामत रहे हैं, घर तो फिर भी बन जाएगा, लेकिन हमें एक मजबूत बिजनेस खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। चले अल्लाह बेहतर करेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।